Listen up. Linear equation using matrix method. Solution of linear equations using matrix method. ठीक है, यस जैसे हम क्रेमर्स रूल यूज किए थे, इसमें ऐसे मैट्रिक्स मेथड यूज किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, 2x-3y = 5 एंड 4x+y ठीक है। यस सर। तो हाउ टू फाइंड आउट, ये मैं 2x2 रख रहा हूँ, तो हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दिस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जनरल मेथड में आप सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू मिल रहा है आपको 2, y वैल्यू मिल रहा है -3, 4+9। अच्छा, 4+9 13 होगा, ये आपका 8 -3+5 होगा। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स मेथड क्रेमर्स रूल में भी आप कर सकते हो। डेल्टा डेल्टा आपका क्या मिलता है, 2-3, 4, 1, देन लाइक दैट। डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा वाई निकालोगे, एंड एक्स हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं इसको हाउ How can you use matrix method? These two equations you can write in the form of matrix. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2-3, 4, 1 इंटू एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 13, 5। आप खुद चेक कर सकते हो। यस सर। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2? 2x2। इसका ऑर्डर 2x1। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा, 2x1। वो मिल रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x-3y, ये एक एलिमेंट हुआ, ये वन वन एलिमेंट, देन 2 1 एलिमेंट होगा 4x+y। दिस इज द मैट्रिक्स 2x1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 13 एंड 5। नाउ दिस टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स, इंप्लाइज व्हाट, वही मिलेगा ना, 2x-3y = 13। इफ यू कंसीडर दिस मैट्रिक्स एज मैट्रिक्स ए, दिस मैट्रिक्स एज एक्स, दिस वन मैट्रिक्स बी,
एच1 मैट्रिक्स बी, देन आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, यू आर गेटिंग ए एक्स इक्वल टू बी। आपको एक्स चाहिए क्योंकि ए आपके पास है, बी भी है, एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स मैट्रिक्स चाहिए। तो हाउ टू गेट एक्स मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई बी। इफ ए एक्स इक्वल टू बी देन एक्स क्या हो, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, एक्स बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी इनटू ए इनवर्स, बी इनटू ए इनवर्स, सो बी बाय, क्या कर रहे हो ये, बी बाय ए बोल रहे हो, बी ए इनवर्स बोल रहे हो, तो इसका मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो मैट्रिक्स डिवीजन होता ही नहीं, ये कहां से लेयर ला रहे हो, बी ए इनवर्स मतलब राइट साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको बोला जाता है बी इनवर्स। तो हाउ यू गेट एक्स, आपको एक्स कैसे मिलेगा फिर, ये क्या इधर जंप कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं डोंट चेंज योर ऑर्डर, ऑर्डर चेंज होता नहीं, होता ही नहीं, फिर भी आप कर रहे हो, क्या होगा, ये साइड में एक्स कैसे आएगा, हाउ टू गेट एक्स साइड दिस साइड, एक्स ऑन दिस लेफ्ट साइड, ए एक्स में आप क्या करोगे, आपको एक्स मिल रहेगा ए साइड में, क्या हो रहा है, ए इंटू एक्स में आप क्या करोगे, आपको सिर्फ एक्स मिलेगा, सर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा सेट पे, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा सर ए एक्स के साइड में, हाँ तो ए के साइड पर मतलब लेफ्ट साइड पर, तो B के कौन से साइड पर इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, B के कौन से साइड पर आप इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट, लेफ्ट पे, इज ए बी इक्वल टू बी ए, नो सर, नो सर, नहीं होता है ना, तो इनवर्स भी थोड़ी बी इनवर्स होगा, yes, कब होगा, जब कम्यूटेटिव होगा, ऑर्डर को गड़बड़ मत करो, ऑर्डर में बहुत मतलब बहुत मैटर करता है ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ द साइड्स लेफ्ट, बोथ द लेफ्ट साइड, तो अभी ए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई 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 इंटू एक्स कितना होगा, आई इंटू एक्स, एक्स एक्स x इक्वल टू ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है,
डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, दैट मींस इफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी ओनली इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको वही मिला था ना, आपका यूनिक सॉल्यूशन कब मिला था क्रैमर्स रूल में? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी वही हुआ, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर डेल्टा हियर ए। तो उसमें जो भी कंडीशन, जो भी हम प्रॉपर्टीज यूज किए थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, सब कुछ इधर वही कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है? ओके, सेम थिंग यूज होगा। हम देखते हैं अभी कोई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपका, एक्स क्या हो जाएगा? तो जो क्वेश्चन था 2x plus 2x minus 3y equal to 13 and 4x plus y is equal to 5 था। व्हाट इज द मैट्रिक्स है? 2 minus 3 4 1 2 minus 3 4 1 x matrix xy xy column wise the column matrix b matrix 13 and 5 column wise matrix. What is the determinant of a? 4 minus 14 2 plus 12 yes sir 12. Okay, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। व्हाट इज द ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। हां 2 बाय 2 का मैंने शॉर्टकट में बताया था, क्या होगा ए इनवर्स डायरेक्ट? 2 4 माइनस सॉरी 2 माइनस 4 3 1 तो साइन चेंज करने बोले थे ना, और तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेरे सामने होते तो बहुत बढ़ता। क्या बोला था? 2 by 2 matrix का inverse क्या बोला था मैंने? सर साइन चेंज, ये दोनों इंटरचेंज होगा, वो भी इंटरचेंज होगा, ये दोनों सेम रहेगा बट साइन चेंज होगा। इसका साइन चेंज होता है, ये दोनों इंटरचेंज होता है। ये 1 2 होगा, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4। कहां से किसको देके क्या कर रहे हो? अपॉन If A is the matrix A B C D, then A inverse होता है, A D interchange होगा, ये D होगा, B C में negative आ जाता है, minus B minus, upon determinant of A, A D minus B C. ओके, तो x x इज इक्वल टू a इनवर्स b मींस 1 3 माइनस 4 2 b b 13 5 अपॉन 14। चेक करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 प्लस 15 28 माइनस 52 प्लस 10 माइनस 42 अपॉन 14 मिला, यस 2 माइनस 3। तो सीधा सीधा x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। x मतलब x का ये क्या है? x y, x y,
तो x इज इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू माइनस समझा यस सर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 3/3 का भी वैसे ही कर सकते हो। इसमें तीन इक्वेशन रहेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? a equals to 1 to minus 1 सॉरी ax equal to b, तो हियर a इज द 1 to minus 1 3 minus 1 2 3 minus 1 2 1 4 1 4 1 this is matrix a, what is your x matrix? x y z x y z and b matrix 392 ये आपका 3/3 matrix, ये 3/1 आ गया, मल्टीप्लीकेशन 3/1 ठीक है, एंड x होगा a इनवर्स b, फाइंड करो। इनवर्स निकालेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 2 1 देन माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1 13 कितना होगा माइनस 24 यस करेक्ट, सो क्लियरली दिस इज नॉन जीरो, सो वी कैन फाइंड आउट ए इनवर्स, व्हाट इज योर ए इनवर्स? एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? यस यस ठीक है, मैं कर रहा हूँ एडजेंट ऑफ ए, वन का कितना होगा माइनस वन माइनस नाइन, टू का थ्री माइनस टू वन, बट ये पोजीशन कितना नेगेटिव पोजीशन, तो माइनस वन होगा, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ ठीक है, रो वाइज डिसाइड करूंगा, कॉलम वाइज लिखूंगा ठीक है, देन माइनस वन इंटू ये आपका 13 माइनस 1 का कोफैक्टर 12 13 होगा, देन 3 का कोफैक्टर 2 प्लस 4 प्लस 6 बट माइनस 6 होगा पोजीशन के साथ, यस सर ओके, देन 1 प्लस 1 2 ठीक है, देन 2 के लिए 4 माइनस 4 माइनस 2 फोर माइनस वन थ्री, फोर के लिए टू प्लस थ्री फाइव, बट पोजिशन के हिसाब से माइनस फाइव, वन के लिए माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन करेक्ट,
ये हो गया पूरा अर्जेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए इनवर्स बी। बी मैट्रिक्स क्या है? 3, 12, 9। कितना होगा? -27, -72, -99। अच्छा +27 कैंसिल हो गया, -72। राइट, देन -3 +24, 21, -45, 24, -24, then 13 into 3, 39, -24, 15, ये 63, +15, अपना ये -63, -48, correct, upon -24, which is the 3, 1. तो x value क्या मिला? 3, y value 1, z value 2। yes, इसमें verify कर सकते हो, 3, 1, 2। चेक करो, 3 + 2, 5 - 2, 3, 3 × 3, 9 - 2, 9, 3, 1, 2, -1, मतलब 8 + 4, 12, 12, yes sir, 3 + 4, 7 + 2, 9, correct, yes sir। बट दिस मेथड क्या होता है, आपका लेंथी होता है, आपको इनवर्स निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये मेथड एक्चुअली बोर्ड के लिए, बोर्ड में पूछता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो वो मेथड आपको यूज करना पड़ता है। बाकी एंट्रेंस केस में हम ये सब नहीं करेंगे, हम एज यूजुअल मेथड यूज करेंगे, नहीं तो हार्डली होगा तो क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हैं। बट क्रेमर्स रूल का जितने क्रेमर्स रूल का जो भी प्रॉपर्टीज था इसमें भी वही सब एप्लीकेबल हो। ओके, इफ डिटरमिनेंट 0 नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, 0 होगा तो क्या होगा? वही डिटरमिनेंट का केसेस, इनफाइनाइट, हां डिटरमिनेंट का केसेस नहीं, कभी नो सॉल्यूशन होगा, कभी इनफाइनाइट नंबर, हां दोनों में से। नो सॉल्यूशन होगा जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो होगा, कोई एक नॉन जीरो होगा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो, तो दैट केस यू विल गेट नो सॉल्यूशन। सबके सब जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट, तो वही केस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है। समझा कैसे हुआ? यस राइट।
कैन यू स्क्रॉल अप? No sir, 1 minute. Yes sir. Have you done your homework? Yes sir. Any doubt? Yes sir. क्या होमवर्क क्या दिया था सर? 1B के बाद जितना हो सकता है बोला था सर। अच्छा 1B हो चुका है कि नहीं? सर पूरा मॉड्यूल बोला। 1B और 1A का हो गया सर। अच्छा बताओ क्या है? 1A 1B दोनों हो चुका है? यस सर। ठीक है बताओ क्या डाउट है सर? 1C का 49 और 65 सर। यस सर। ओके देन और कुछ है? नहीं है सर, नहीं है।
ABC greater than 0, XYZ belongs to real number, then the determinant. A raised to x plus a raised to minus x square 0 हो जाएगा. लाइक सर हमारा चैप्टर खत्म हुआ ना. हाँ लाइक वाई एंड जेड. ठीक है. यस सर. अच्छा दिया गया. चेंज करो कलम वन. आज कलम वन माइनस कलम टू. तो इट इज लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? फोर ए बी. तो फोर ए की जगह क्या है? ए टू दी पावर एक्स टू एक्स. बी की जगह ए रेस टू माइनस एक्स. तो ये कैंसिल हो जाएगा. फोर तो ये क्या हो जाएगा? फोर. ए होगा ना. तो फोर कॉमन ले लेंगे तो वन 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 आइडेंटिकल जीरो. नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ए बी सी फॉर विच द सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू थ्री इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स मतलब ए बी सी ए कमा बी कमा सी को दिया गया ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए माइनस बी. सी प्लस वन एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू टेन माइनस ए प्लस थ्री बी. इसका इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये दो स्ट्रेट लाइन है. कब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट है. सेम लाइन दोनों लाइन सेम होगा. ठीक है ना. सेम लाइन होगा. यस सर. तो दोनों लाइन सेम होगा मतलब a by c plus 1 is equal to a upon c plus 1 is equal to minus b upon c. C is equal to 2a minus b upon 10 minus a plus 3b. A होगा ना? हाँ सर. और ये इसका ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया गया 1 कमा ये जो लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1.3. 1.3 इसको सेटिस्फाई करेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा दोनों को. तो 1.3 जब मैं डाल रहा हूँ तो आपको क्या मिल रहा है? a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू ए माइनस बी. ठीक है. इम्प्लाइज व्हाट? टू ए माइनस ए इक्वल टू माइनस फोर सॉरी माइनस टू बी माइनस टू. अगेन 1.3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा. रहने दो.
इधर ही डाल देते ना, ए की जगह माइनस टू भी डाल दो, अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। हाँ सर, माइनस बी कैंसल होगा, दैट इंप्लाइज टू सी इज इक्वल टू सी प्लस वन होगा, बट बी नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर पाओगे। हाँ सर, तो सी सी का वैल्यू कितना हो गया? वन। अभी इसमें चेक करते, टू ए माइनस बी कितना होगा? टू ए, टू ए मतलब माइनस फोर बी, माइनस फाइव बी अपॉन ये कितना हो गया? टेन, टेन प्लस फाइव बी, टेन प्लस हाँ सर इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। तो इसमें कुछ मिलेगा क्या? बी सी का एक रिलेशन मिलेगा, इसमें डाल के आप ए का रिलेशन निकाल सकते, फायदा नहीं होगा। देने दो, सी इक्वल टू वन तो आ रहा है एक वैल्यू। तो ट्रिपलेट पूछ रहा है, ट्रिपलेट क्या होगा? मतलब ए इज टू बी इज टू सी पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। बट हम इसमें, अच्छा इसमें एक मिनट, सी का वैल्यू हम एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं ना, सी का वैल्यू वन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस टेन बी माइनस फाइव माइनस वन डाल देंगे तो आपको मिलेगा बी माइनस बी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, फाइव इक्वल टू टेन प्लस फाइव बी, देन बी इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट ना? हाँ सर, बी जब माइनस वन होगा ए इक्वल टू टू हो जाएगा। अच्छा बी जब जीरो होगा, कुछ इशू आ रहा है क्या? क्योंकि हम बोथ ए केसेस में भी बी को नॉन जीरो रखे है, बी जब जीरो होगा, इफ बी इक्वल टू जीरो तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए का वैल्यू जीरो होगा, ए जीरो बी जीरो, सी का वैल्यू कुछ भी होगा। फिर एबीसी कुछ नॉन जीरो दिया गया था क्या? अच्छा नहीं, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विच द इक्वेशन, ऐसे केस में तो एग्जैक्टली वन आ रहा है, ये बी ना जीरो तो एग्जैक्टली वन आ रहा है, बी का वैल्यू कुछ मिला ना, ए वैल्यू टू मिला, बी वैल्यू माइनस वन मिला, सी वैल्यू वन मिल रहा है। बट इफ एक केस में इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ बी जीरो देन आपका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इनफिनिट नंबर हो सकता है। बी जीरो होगा तो सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ए बी जीरो होगा, ए भी जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, डिनोमिनेटर टेन होगा तो जीरो बाय टेन मतलब ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सी का वैल्यू बस नॉन जीरो होना चाहिए और कुछ भी होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होगा। तो आंसर क्या दिया गया, एक ही सोल्यूशन की इनफिनिट? एक बार चेक करो आंसर क्या दिया है। ये किसका? वन बी का, वन सी का, वन सी का।
सेवन सर बी वाला है क्या दिया गया? एग्जैक्टली टू दिया है बी में एग्जैक्टली टू इनफाइनाइटली मैंने भी दिया था डी में 65 का बी दिया गया ना सर एग्जैक्टली टू दिया है ना एक मिनट में फिर से चेक कर एग्जैक्टली टू सर बी दिया है सर एग्जैक्टली टू अच्छा इसका डिटरमिनेंट हमने नहीं लिया ना एक मिनट डिटरमिनेंट जीरो नहीं डिटरमिनेंट भी जीरो होना चाहिए ए माइनस बी सी प्लस वन सी का डिटरमिनेंट क्या होगा ए सी प्लस बी सी प्लस बी ये आपका जीरो होना चाहिए ये भी जब जीरो होता है ये भी जीरो दे देता है और कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या आपका क्वेश्चन क्या था ए एक्स क्वेश्चन इज द ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू टू ए माइनस बी देन सी प्लस वन इंटू एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू टेन माइनस ए प्लस थ्री बी है ना यस सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एल वन ये एल टू तो लाइन वन इज इक्वल टू सेम एज लाइन टू दैट इंप्लाइज आपका ए अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू टू ए माइनस बी अपॉन टेन माइनस ए प्लस थ्री बी करेक्ट तो If we equate this to L1 passes to the point 1 comma 3, L2 also passes to point 1 comma 3. Definitely, ये 1 comma 3 में pass होगा तो ये भी होगा क्योंकि both the line same line. तो 1 comma 3 इसको satisfy करेगा. That implies a plus 3b, no a minus. b is equal to 2a minus b implies a equal to minus 2b मैं यहां पे ये पॉइंट हम चेक मतलब नहीं लिए थे ठीक है ये जब सेटिस्फाई करेगा देन c plus 1 plus 3c is equal to 10 minus a plus 3b that implies 4c is equal to 9 minus a ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए करेक्ट फर्स्ट वन होना चाहिए सेकंड वन भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए केस वन ये आपका केस वन इफ
a is equal to minus 2b. If a equal to minus 2b, that implies आपका क्या मिलेगा? From this two आपको क्या मिलेगा? a plus c plus 1 is equal to minus b by c. तो a के जगह minus 2b डालेंगे. अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इम्प्लाइज टू सी इज इक्वल टू सी प्लस वन इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू वन इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. बी नॉन जीरो होगा तो सी इक्वल टू वन. एंड इसके साथ डाल देंगे तो क्या होगा? इफ सी इक्वल टू वन देन एंड माइनस बी बाय सी इज इक्वल टू टू ए माइनस बी अपॉन टेन माइनस ए प्लस थ्री बी इम्प्लाइज माइनस बी बाय वन इक्वल टू आपका ए के जगह माइनस टू बी डाल रहा हूँ तो माइनस फाइव बी अपॉन टेन माइनस फाइव बी. आई एम करेक्ट? नो, टेन प्लस फाइव बी. यस, ठीक है ना. तो बी बी अगेन कैंसल्ड, दैट इम्प्लाइज टेन प्लस फाइव बी इज इक्वल टू फाइव इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस वन एंड ए इक्वल टू. तो आपका सेट क्या मिला? वन माइनस वन ट्रिपलेट सॉरी टू माइनस वन मकान. और एक लेना पड़ेगा ये फोर सी इज इक्वल टू नाइन माइनस ए प्लस थ्री बी. अच्छा और नहीं ये आई थिंक वो ही सेटिस्फाई करेगा. ए माइनस ए प्लस थ्री सी कितना होगा? बोथ बोथ द लाइन सेम लाइन ना, तो वही सेटिस्फाई करेगा. तो इफ बी इक्वल टू जीरो, इफ बी इक्वल टू जीरो तो आपको क्या मिलेगा? दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो होगा. और वो केस पर आपको क्या होता है? C का वैल्यू इधर मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी आ रहा है. ओके, तो A by C plus 1 is equal to minus B upon C equal to 2A minus B upon 10 minus A minus 3B. इसमें आप कुछ डिफाइन कर नहीं पाओगे. हियर यू कांट डिफाइन एनीथिंग क्योंकि ए जीरो बी जीरो मतलब आपको जीरो बाय सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बाय सी इक्वल टू जीरो बाय टेन. वही तो सब सब जीरो हो रहा है ना, तो आप कुछ डिफाइन नहीं कर पाओगे. ए केस में आपको ये लेना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड केस इफ बी इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू जीरो ऑल्सो नाउ फ्रॉम टू आपका क्या दिया गया? फोर सी इज इक्वल टू नाइन माइनस ए प्लस. आप इक्वेशन वन का कोई मतलब जरूरत नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, नाइन माइनस ए प्लस थ्री बी इम्प्लाइज फोर सी इक्वल टू नाइन. तो सी का वैल्यू क्या होगा? ये केस आप रखोगे तो सी का इंफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन कुछ भी आ सकता था एक्सेप्ट सी इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन. ये दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता था. Here you got C equal to. So another triplet 0 0 9 0. So ये दो triplet आपको मिले. समझे? Yes sir. क्योंकि कंडीशन देखो, ये कंडीशन जो है ये ऑलरेडी मैंने कंडीशन ले लिया कि दोनों लाइन तो 1.3 दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये दोनों कंडीशन में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, दोनों कंडीशन रिमेन सेम कंडीशन रहेगा.
बट सी के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ए बी के लिए ये यूज करना पड़ेगा। तो हम ये मैंने कंसीडर नहीं किया था, इसलिए इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था। तो ये काट दो, इसको इरेज मार, डिलीट कर देता हूँ। बाकी आप नहीं किए क्या? नहीं सर, वो विंडोज टू जेई में चालू किया था सर, इसमें बहुत थे वन सी में। सर और हमारी कल टेस्ट भी थी ना।
कौन सा ये थे? हाँ आपका शायद फिफ्थ चल रहा था ना, फिफ्थ की सिक्स चल रहा था। हाँ क्या सर? कौन सा टेस्ट? टेस्ट नंबर सिक्स की फिफ्थ कुछ चल रहा था। सर नहीं, वो मेजर टेस्ट 6 ये संडे को है, पर या ले चैप्टर की टेस्ट थी एक अच्छा केमिस्ट्री की, अच्छा ये संडे को है 6 वाला। ओके अब सब मॉड्यूल निकाल लिए ना, देखते। सर आप नया चैप्टर चालू कर रहे हैं? नहीं आज नहीं करेंगे। ठीक है सर। कौन सा? विंडो टू जे करोगे मेन? हाँ चेक करो फॉर क्वेश्चन नंबर वन हुआ है क्या क्लास में। सर, किसमें चेक करना है? आपके पास है ना मॉड्यूल, बुकलेट है हाँ ना? सर, हाँ चेक करो, विंडोज टू जे मेन फर्स्ट वन नहीं हुआ है। फर्स्ट वन नहीं हुआ है। ओके सेकंड वन, सेकंड वन हुआ है क्लास हाँ सर, सिमिलर हुआ मतलब सर। में। थर्ड नहीं हुआ है, फोर्थ नहीं हुआ है, फिफ्थ नहीं हुआ है, सिक्स्थ नहीं हुआ है। 1 to 10 तक करो, कितना टाइम टाइम लग ये करते करो। नहीं 5 5 करो, फिर 10 करोगे तो फिर ये होगा। 1 to 6 तक करो एक्सेप्ट सेकंड वन, सेकंड वन क्लास में हुआ है। 5 क्वेश्चन कितने मिनट में करोगे आप बताओ? टेन टू 15 मिनट्स के अंदर करो, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 to 6 एक्सेप्ट टू।
ओमेगा पावर एन देन ओमेगा रेस टू टू एन वन देन ओमेगा पावर टू एन वन ओमेगा पावर एन, ये दिया गया। तो मैं दो केसेस ले रहा हूं, इफ एन इज नॉट इक्वल टू थ्री के, केस वन, इफ एन इज नॉट इक्वल टू थ्री के, तो ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पक्का। इफ एन इज नॉट इक्वल टू थ्री है, सपोज दिस बिकेम ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, नहीं ये ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये ओमेगा होगा, दैट इंप्लाइज ओमेगा रेस टू एन, इफ ओमेगा रेस टू एन इज इक्वल टू ओमेगा देन ओमेगा रेस टू टू एन विल बी ओमेगा स्क्वायर, और अदरवाइज ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है, व्हेनेवर एन इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो आई एम डूइंग कॉलम वन चेंजेस कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, तो क्या होगा, जीरो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो। केस टू, इफ एन इज इक्वल टू थ्री के, इफ एन इक्वल टू थ्री के तो ये क्या होगा, वन होगा, पर इसमें आ रहा था वो ओमेगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, तो टू रोज आर आइडेंटिकल, नहीं तो टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तभी जीरो होगा। इफ एन इक्वल टू थ्री के देन ओमेगा रेस टू एन वन होगा एंड ओमेगा रेस टू टू एन भी वन होगा, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, वन 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 वन, आंसर जीरो, ओमेगा स्क्वायर क्यों मिलेगा, समझा? यस सर। फोर्थ वन मिला सबको? यस सर। फिफ्थ मिला? हाँ सर। यस सर। सिक्स में? सिक्स में मिला। A given 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 and 10 B given 4 2 2 minus 5 0 alpha 1 minus 2 3. If B the inverse of A, B the inverse of A, then alpha ka value nikalna hai. Okay. Matlab ye inverse nikal ke equate kar rahe hain. If B is equal to inverse of A, तो हम क्या करेंगे? सर A inverse निकाल के equate कर सकते हैं। हाँ A inverse कर, number two, इससे better आप ये कर दो। आपका 10 भी दिया गया, ये ना matrix दिया गया। हाँ सर। आपका A into B क्या होगा? I आया होगा, ठीक है, तो आपका जो गिवन टू मैट्रिक्स दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया गया वन माइनस वन वन, क्योंकि इनवर्स निकालना डिफिकल्ट होता है, टू वन माइनस थ्री वन वन वन, इसके साथ सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, सेकंड मैट्रिक्स इज द फोर टू टू, माइनस अल्फा जीरो देन वन माइनस टू थ्री, वो टेन बी है ना? हाँ सर टेन बी है वो, तो दिस इज ए इनटू टेन बी, अच्छा दैट इज टेन इनटू ए बी, Which is 10 आई आना चाहिए, हाँ सर, ठीक है, अभी चेक करो, ये आपका 10 मिलना पड़े, मतलब इस ये 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 1 10 हो रहा है, यस सर 10,
ये आपका जीरो होना चाहिए। टू जीरो माइनस टू जीरो मिला। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड वन जीरो होना चाहिए, मुझे चेक करना नहीं है। फोर्थ वन जीरो, आप ये चेक कर सकते हो, ये टेन होगा। फोर और प्लस सिक्स टेन आ रहा है, और ये आपका क्या आ रहा है? जीरो। ये जीरो होना चाहिए, मतलब टू प्लस अल्फा माइनस नाइन शुड बी जीरो, करेक्ट? हाँ सर। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? सेवन। कोई इनवर्स का जरूरत नहीं। नहीं है क्या? सेवन नहीं है सर। ओ सर गलत किया क्या? सर टू टू जब फोर होगा ना। फोर फोर टू इंटू टू फोर प्लस अल्फा माइनस नाइन, तो ये होगा फाइव। ठीक है, यस सर। डी द करेक्ट आंसर। समझा कैसे हुआ? हाँ सर। दो सेवन टू इलेवन नेक्स्ट 15 मिनट्स। यस सर, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करते हैं? मतलब वहां पूछा है मैथमेटिकल इंडक्शन पता नहीं कि लेट ए के ट्रू देन ए के प्लस वन इज द ट्रू, इफ ए के प्लस वन द ट्रू देन नेक्स्ट 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 सब ट्रू हो जाएगा। ये सिर्फ केस ऑफ नेचुरल नंबर में यूज होता है। हम जैसे करते तो आपके स्कूल में हुआ होगा, मतलब ये 11th में कॉलेज में भी होगा ना सर? नहीं, वो चैप्टर कैंसिल हो गया था। हाँ सर। जैसे कि प्रूफ दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n इज व्हाट, मे बी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने के टाइम पर भी बताया था। n इनटू n माइनस n प्लस 1 बाय यहाँ पे yes. हमारा नेचुरल नंबर से यूज हो रहा है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। n into n plus 1 by, इसको हम एपी यूज करके किए थे, सम ऑफ एपी, और yes. एक मेथड होता है इंडक्शन मेथड। ओके, प्रूव दिस वन यूजिंग इंडक्शन मेथड। लेट Pn, इसको मैं Pn मान रहा हूँ। Pn मतलब sum of first n terms, और Sn आप बोल सकते हो। okay? In general, induction में Pn वो use करते हैं। Let us take Pn is the 1 plus 2 plus 3 and so on up to n, which is, नहीं तो आप Pk मान सकते हो। Pn, this is the Pn, तो Pk क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस के, है ना? P 100 क्या होगा? 1 से लेके 100 का सम, करेक्ट? Pn मतलब 1 से लेके n तक सम, Pk का मतलब 1 से लेके k का सम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू हैव टू चेक वेदर P1 करेक्ट और नॉट। P1
पी वन का एलएचएस क्या होगा? पी वन लेफ्ट साइड क्या होगा? पी वन का मतलब क्या होता है? हेलो सर, एन इज इक्वल टू वन. एन इक्वल टू वन. एन इक्वल टू वन मतलब एक ही टर्म का सम. तो एल एच एस क्या होगा? वन. व्हाट अबाउट आर एच एस? एन की जगह वन डालेंगे. वन इंटू वन प्लस वन बाई टू. तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है. पी टू आप चेक कर सकते हो. पी टू क्या होगा? एल एच एस सम ऑफ टू टर्म्स थ्री होगा. थ्री. व्हाट इज आर एच एस? 2 into 3 by 2, again 3, so LHS equal to 3 RHS. That means आपका P1 2, P2 also. तो फिर रखेंगे let PK is true. Let PK is true means आपका 1 plus 2 plus 3 up to plus K का value आपको मिल रहा है कि K into K plus 1 by 2. आप इसको प्रूफ नहीं किए, ठीक है? लेट अस टेक पीके इज द ट्रू. नाउ चेक पीके प्लस वन. नाउ पीके प्लस वन. पीके प्लस वन का एलएचएस क्या होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू प्लस के प्लस के प्लस वन, यही होगा ना? हाँ सर. दिस वन इटसेल्फ पीके. Yes, sir. जो हम मान के चल रहे कि it is k into k plus 1 by 2. मैंने मान लिया ना, let us take pk is true. Yes, इसको यूज करके मैं pk plus 1 निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या होगा? Which is pk plus k plus 1. मैं pk को already true declare कर चुका हूँ, मतलब let us take pk is the true. तो pk के जगह मैं लिख सकता हूँ k into k plus 1 by 2. प्लस के प्लस वन. अब दोनों से क्या कॉमन जाएगा? के प्लस वन, देन के बाय टू प्लस वन, व्हिच यू कैन राइट के प्लस वन इनटू के प्लस टू बाय टू. यस सर. हाँ सर. वो एन इनटू एन प्लस वन बाय टू को क्या किया? हाँ सर किया. हाँ सर. पी के प्लस वन का मतलब क्या है? एन के जगह एन प्लस वन रखेंगे ना, तो n की जगह n प्लस वन रखेंगे तो ये n प्लस वन होगा, ये n प्लस टू बाई टू होगा. सेटिस्फाइंग? यस सर. एंड सो pk प्लस वन इज ट्रू. ट्रू. तो व्हेनेवर pk इज ट्रू देन pk प्लस वन ट्रू हो गया. इसका मतलब p1 ट्रू था, p2 भी ट्रू था, p2 जब ट्रू हुआ p3 भी ट्रू होगा. Using this concept, तो P4 भी true होगा, P5 भी true होगा, P100 भी true होगा, Pn भी true होगा. Okay? So Pn also, क्योंकि PK, K तो आपको पता नहीं ना, K suppose 100 होगा, तो 100 plus 1, 101 भी true होगा, ऐसे 102 भी true होगा, 103 भी ट्रू होगा, अप टू एन तक वो चलता रहेगा, ठीक है? जब तक वो काउंटेबल वो चलता रहेगा. इसको बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड. समझाइए. यस सर. तो मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड. इंडक्शन. यस सर. इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड. मतलब एक ट्रू होगा तो नेक्स्ट वाला ट्रू आपको चेक करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे वो चलता रहेगा. तो कितना भी टर्म रखो वो ट्रू हो जाएगा, मतलब एक पैटर्न वो फॉलो करेगा.
डन। कौन सा चाहिए? अच्छा सर नाइन्थ वाला एक बता दो सर, नाइन और एट वाला भी। हाँ सर, वन तो इजी है आपका। हाँ सर वही है, आई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो आई क्या होगा? ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर। मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ दी साइड्स। ए इनवर्स इनटू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए माइनस ए स्क्वायर, ए इनटू ए इनवर्स आए। आई, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर। मिला, समझा ना? हाँ सर, नेक्स्ट और नाइन्थ वाला नाइन, ए द 100 नो 1011, आई द 1001, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, ए द 1011, आई ऑलरेडी यू नो एन कैसे रहेगा, तो ठीक है, जस्ट फाइंड आउट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? 1021। कितना मिला? वन जीरो जीरो टू टू, वन जस्ट फाइंड आउट ए क्यूब विच इज ए स्क्वायर इंटू ए 1021 इंटू 1011, क्या मिल रहा है? 1031। अब ए पावर फोर निकालोगे तो 1041 मिलेगा, है ना? हाँ सर, तो इसका मतलब ए ही चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम। तो ए रेस्ट एन क्या होगा? 1011 बाय इंडक्शन। थ्री के हाँ लिए सर, थ्री रहा, टू के लिए टू रहा, फोर के लिए फोर रहा, तो एन के लिए एन रहेगा। ठीक है, अब हाँ सर, हाँ सर, आपको वेरीफाई करना है किसके साथ वो बराबर हो जाएगा। एन आपके पास मिल गया, अभी चेक करो कि किसके साथ वो बराबर होगा। हाँ, तो टू रेस्ट टू एन एन माइनस वन ऐसे तो नहीं आएगा, बी डी से कोई एक होगा। ठीक है, थ्री के लिए थ्री आया ना, टू प्लस वन। हाँ ठीक है, तो व्हाट इज योर एन ए? एन ए का मतलब क्या होगा? एन एन टाइम्स जीरो ऑफ ए जीरो एन एन स्क्वायर। एन नहीं, एन इंटू ए, हाँ सॉरी सर,
एन जीरो एन एन, बट मुझे चाहिए वन जीरो एन वन, तो इसमें क्या माइनस करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन माइनस वन माइनस करेंगे तो वन बचेगा। हाँ सर, जीरो जीरो इसमें क्या है? इसमें मुझे चाहिए वन, वन चाहिए तो एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर एन एन ए एन ए मैट्रिक्स ये मिला, तो यहां से ये माइनस करेंगे तो आपको ए रेस टू एन मिलेगा। दिस वन यू कैन राइट ए रेस टू एन, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। एन जीरो जीरो एन, एन जीरो जीरो एन को आप एन ए लिख सकते हो, माइनस इसको लिख सकते हो एन माइनस वन इंटू आई। यस सर, हाँ सर, बी द ऑप्शन, नो सी बी, बी द सर, डन। यस सर, बाकी टेन इलेवन हो गया। हाँ सर, यस सर, ठीक है। बाकी जितने बच्चा आपका होमवर्क, आप ट्राई टू फिनिश दिस मॉड्यूल बाय नेक्स्ट क्लास। यस सर, ठीक है, तो जो रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक वेक्टर। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर।